तो स्टूडेंट्स, अब हम देखने वाले हैं कि हम लोग सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस किन तरीकों से कर सकते हैं। जो फर्स्ट हमारा प्रोसेस है उसके अंदर फिल्ट्रेशन के बारे में हम समझने वाले हैं। तो यहाँ पर सैंड और वाटर का हमने एग्जांपल लिया है। तो वन ग्लास ऑफ वाटर लिया है जिसके अंदर वाटर फिल्ड है और छोटे 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 आपको ब्राउन कलर के सैंड के पार्टिकल्स दिख रहे होंगे इधर। तो ये जो सैंड के पार्टिकल्स हैं इनको मेरे को सेपरेट करना है वाटर से। तो मैंने क्या करा, एक फिल्टर पेपर लिया और उसके ऊपर इसको डाल दिया। तो क्या हुआ कि मेरा वाटर सेपरेट हो गया और जो सैंड के छोटे छोटे पार्टिकल्स थे वो वाटर से अलग हो गए। सो दिस वॉज फिल्ट्रेशन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेपरेशन, एक होता है सेपरेशन फनल को यूज करके भी हम लोग सेपरेशन कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं सर? देखिए, आपको पता है कि इमिसिबल लिक्विड कौन होते हैं? इमिसिबल लिक्विड वो वाले लिक्विड्स होते हैं जो वाटर के अंदर मिक्स नहीं होते, और मिसिबल लिक्विड्स कौन से? जो एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं आसानी से। तो यहाँ पर क्या दिखाया गया है, जैसे इमिसिबल लिक्विड में हमने कैरोसिन ऑयल ले लिया है और वाटर ले लिया है। ऑयल हमेशा पानी के ऊपर फ्लोट करता है, ये चीज़ याद रखना आप लोग। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि हमने वाटर और ऑयल का मिक्सचर लिया है, तो ऑयल फ्लोट कर रहा है पानी के ऊपर और वाटर क्या हो गया, नीचे डिपॉजिट हो गया है। इसके नीचे हमने एक स्टॉप कॉक लगा दी है, जब हम इसको ओपन करेंगे या इस बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ से वाटर रिलीज हो जाएगा और हमारा ऑयल ऊपर की तरफ रहेगा। तो हम लोग उस पॉइंट तक अपने वाटर को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं सेपरेशन फनल के थ्रू। जब इमिसिबल लिक्विड होते हैं तो हम लोग सेपरेशन फनल का यूज कर लेते हैं। अब नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं, वो है मैग्नेटिक सेपरेशन का। आखिर मैग्नेटिक सेपरेशन होती क्या चीज़ है? देखिए, आयरन फिलिंग्स और सल्फर पाउडर लिया है मैंने, इनको मिक्स कर लिया है हम लोगों ने। आयरन फिलिंग्स छोटे छोटे आपको ये दिख रहा होगा ब्लैक कलर का, दीज आर आयरन फिलिंग्स, और येलो कलर का दिस इज सल्फर पाउडर। तो इन दोनों को अलग करने के लिए सबसे आसान तरीका है हम लोग एक मैग्नेट का यूज कर सकते हैं। जब हम लोग मैग्नेट इसके ऊपर हवर करेंगे, इसके ऊपर मैग्नेट घुमाएंगे सल्फर पाउडर के ऊपर, तो जो भी आयरन फिलिंग्स होंगी वो आकर मैग्नेट से चिपक जाएंगी और इस तरीके से हमारा मैग्नेटिक सेपरेशन हो जाएगा। तो हमें सल्फर पाउडर अलग मिल जाएगा और जो आयरन फिलिंग्स होंगी वो अलग से मिल जाएंगी। तो ये भी एक तरीका है। और दूसरा तरीका है इवेपोरेशन का। इवेपोरेशन के प्रोसेस के अंदर भी एक टाइप का सेपरेशन होता है। तो देखिए, इवेपोरेशन के अंदर आपको ये दिख रहा होगा वाइट कलर के बड़े बड़े क्रम्स से। अब पूछोगे व्हाट इज दिस, सो दिस इज सॉल्ट पाउडर फ्रॉम वाटर। जब हमारा वाटर सी से रिवर्स से इवेपोरेट होने लग जाता है तो बाद में क्या बचता है, आपको दिखेंगे बड़े बड़े आपको सॉल्ट पाउडर ऐसे दिख जाएंगे। सॉल्ट पाउडर नीचे जमीन पे डिपॉजिट हुआ दिख जाएगा। तो ये क्या होता है, ये बेसिकली हमारा नमक होता है। तो हम लोगों को कहाँ से मिल जाता है, ये सीज वगैरह से मिल जाता है जब वाटर वहां पर इवेपोरेट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट इज क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। एक पैन लिया है, पैन के अंदर मैंने वाटर को हीट करा है, हीट कर रहा हूं मैं, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाती है वाटर की, ज़्यादा हो जाएगी। मतलब उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके बीच में स्पेस ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा। अभी के लिए ये रहने देते हैं, अभी सिंपल समझते हैं। तो जब मैंने वाटर को हीट करा तो उसके अंदर मैं शुगर ऐड करता गया और वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया, लेकिन फिर भी उसके अंदर मैं शुगर ऐड करता रहा और मिक्स करते गया। ये सब मिक्स करने के बाद, अभी जब वाटर हीट हो रहा था मैंने उसको बंद कर दिया। बंद करने के बाद जब मैंने उसे कुछ देर के लिए रख दिया तो मैं देखता हूँ कि क्या चीज़ फॉर्म हो गई उसके ऊपर। मैंने देखा तो क्रिस्टल्स, सो दीज आर क्रिस्टल्स ऑफ शुगर। तो ये वाला जो प्रोसेस होता है दिस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। जिसके अंदर हम लोगों ने क्या करा था, शुगर सिरप और वाटर का एग्जाम्पल लिया था, बहुत सिंपल एग्जाम्पल लिया था। हमने वाटर को हीट करा, वाटर इवेपोरेट हो गया या फिर वाटर वेपर्स की फॉर्म में चेंज हो गया बॉयल होके, और फिर हमारे पास क्या बची, क्रिस्टल्स ऑफ शुगर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या चीज होती है, सबसे पहले दो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। कैम्फर और सैंड का यहाँ पर एग्जाम्पल लिया। व्हाट इज कैम्फर, यू विल आस्क। कैम्फर जो पूजा के अंदर हम लोग यूज करते हैं, कपूर जिसको बर्न करते हैं, व्हाइट कलर की जो चीज होती है, सो दैट इज कैम्फर। कैम्फर क्या होता है, सब्लिमेटरी सॉलिड होता है। मतलब सब्लिमेटरी क्या, फर्स्ट चैप्टर में आपको आपने पढ़ा होगा, देख सकते हैं आप, मैंने उसके भी ऊपर वीडियो बनाया है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको डिफाइन कर देता हूँ। सब्लिमेटरी सॉलिड्स वो होते हैं जो डायरेक्टली सॉलिड से किसकी फॉर्म में चेंज होते हैं, गैस की फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में चेंज नहीं होते।
तो अगर हमें ऐसे सब्लिमेटरी सॉलिड्स को अलग करना हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं? जैसे कैम्फर और सैंड एक साथ मिक्स हो गए हैं तो हम उन्हें अलग करने के लिए क्या कर सकते हैं? हम उन्हें हीट कर सकते हैं। हीट करेंगे तो हमें पता है कि स्टेट चेंज होगी उसकी। तो यहाँ पर क्या हुआ है, जब हमने हीट करा है कैम्फर और सैंड के मिक्सचर को, तो यहाँ पर क्या डिपॉजिट हो गया आपका, कैम्फर डिपॉजिट हो जाएगा। ये तरीका है हमारा कैम्फर को एक्सट्रैक्ट करने का सब्लिमेशन के थ्रू। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सेंट्रिफिकेशन। सेंट्रिफिकेशन बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक नहीं है, लेकिन इसको इस तरीके से पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, बच्चों को समझ में नहीं आता। देखिए, ये एक मशीन होती है जो डॉक्टर्स यूज करते हैं ड्यूरिंग टेस्टिंग आवर ब्लड सैंपल्स। और सेंट्रिफिकेशन यहाँ पर क्या रोल प्ले करती है, देखिए यहाँ पर हमारा ब्लड सैंपल लिया गया था, ब्लड सैंपल को एक मशीन के अंदर डाला गया, ये जो आपको सर्कल्स दिख रहे हैं इनके अंदर डाला गया। जब इस सैंपल को इस मशीन के अंदर डाला गया, फिर उसके बाद इस मशीन के अंदर एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिससे ये रोटेट करती है इन सैंपल्स को बहुत देर तक। और जब ये रोटेट हो जाते हैं कम्प्लीटली, तो फिर जब वो थोड़ी देर के लिए रुकती है मशीन, तो हमें देखने को मिलता है कि अलग अलग हमें पार्ट्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे अगर हम लोग ब्लड का मैं आपके सामने एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो आपको जैसे WBC और RBC ये सब चीज़ें आपको अलग अलग होती हुई दिख जाएंगी ब्लड से। तो इस तरीके से हमारे फिर डॉक्टर्स टेस्ट कर पाते हैं ब्लड को प्रॉपरली। तो एक ये तरीका है सेंट्रिफिकेशन का, जिसको बहुत ज़्यादा यूज़ करा जाता है मेडिकल साइंस के अंदर मोस्टली। नाउ कमिंग टू क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी इतना डिफिकल्ट कंसेप्ट लगता है स्टूडेंट्स को, लेकिन सिंपल है बहुत। देखिए, एक हमने वाइट क्लॉथ लिया है, वाइट क्लॉथ के ऊपर अगर आप इंक को देखें तो इंक आपकी कुछ इस टाइप की होती है। अब आप इंक को देखकर डिफाइन कर पा रहे हैं कि ये कौन सा कलर है? नहीं कर पा रहे। कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे होगे, सब ब्लैक ही दिख रहे हैं हमें। तो क्या करना होता है हमें क्रोमेटोग्राफी के अंदर, हम लोग इंक को लेते हैं एक वाइट क्लॉथ के ऊपर, एग्जाम्पल के लिए हमने एक वाइट क्लॉथ के ऊपर लगाया है, या फिर आप लिटमस पेपर ले सकते हैं डाई के सैंपल के साथ। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इंक को डाई भी डाई बोल देते हैं। डाई के साथ हमने इसके ऊपर कुछ डाई के सैंपल्स लगाए हैं, तो पेपर क्या करेगा, हम लोग इस पेपर को किसके अंदर डाल देंगे, वाटर के अंदर डाल देंगे। जैसा यहाँ पर करा है हमने, इस सैंपल को वाटर के अंदर डाला है। तो जब हम लोगों ने इसको वाटर के अंदर डाला, तो आपको अलग अलग कलर की अलग अलग सॉल्युबिलिटी होती हुई दिखेगी, और आपको अलग अलग कलर सेपरेट होते हुए दिख जाएंगे। देखिए, जैसे यहाँ पर रेड आपको अलग से देखने को मिल रहा है, थोड़ा यहाँ पर पर्पलिश कलर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर येलो देखने को मिल रहा है। तो हमें पता चल जाएगा के डाई से के ऐसे हम लोग सेपरेट कर सकते हैं कलर्स को। तो ये भी एक तरीका था। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गए होंगी सारी चीजें। स्टूडेंट्स, कमिंग टू डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, दो चीजें हमें समझनी है। आप व्हाट इज डिस्टिलेशन, देखिए डिस्टिलेशन के अंदर क्या होता है, कोई भी मिसेबल लिक्विड जिसके टेम्परेचर के अंदर बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो 25 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, तब आपको बेटर समझ में आएगा। सो सी, हेयर इज एल्कोहल एंड हेयर इज वाटर, ये दोनों मिक्स हो रखे हैं। तो आप देखिए कि एल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जिस स्टेज पर कोई भी लिक्विड चीज़ गैस के अंदर चेंज होना स्टार्ट करती है, वो है 60 डिग्री सेल्सियस, एंड वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस। सो सी, एल्कोहल का 60 डिग्री है, वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस है। हम माइनस करेंगे 60 को 100 में से, तो कितना डिफरेंस आ रहा है, 40 डिग्री सेल्सियस का। मतलब 40 डिग्री सेल्सियस का इनके बॉइलिंग पॉइंट के अंदर डिफरेंस है। तो इस वजह से हमने सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस का प्रोसेस यूज़ करा है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या करा, यहाँ पर हम लोगों ने वाटर और अल्कोहल को हीट करा, इसके ऊपर एक पाइप कनेक्ट कर दिया, और दूसरे हमने बीकर में इस पाइप को कनेक्ट कर दिया। जब हम लोगों ने हीट करा, तो आपको पता है कि अल्कोहल जल्दी हीट होगा, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट कम है, 60 डिग्री सेल्सियस है। तो ये जब हीट होकर यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा, जैसे ही हम फिर टेम्परेचर भी कंटिन्यूसली चेक करते रहेंगे थर्मोमीटर से, जब हम लोगों को पता चलेगा कि यार अब वाटर भी यहाँ पर वेपर्स की फॉर्म में आ सकता है, वाटर भी 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया है इस लिक्विड का, तो शायद वाटर भी मिक्स हो सकता है अल्कोहल के साथ, और हम ये तो चाहते नहीं है क्योंकि हमें अलग करना है अल्कोहल और वाटर को। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग हीट करना बंद कर देंगे, हम इसको फर्दर जो हमारा है सॉल्यूशन, इसको फर्दर हीट नहीं करेंगे। नाउ कमिंग टू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी सेम ही है, थोड़ा डिफरेंस है। देखिए, अभी हमने पीछे देखा था कि अल्कोहल का
हमने 60 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट लिया था, यहाँ पर हम लोग लेने हैं 90 डिग्री सेल्सियस एग्जांपल के लिए, एंड वाटर 100 डिग्री सेल्सियस। नाउ इफ यू विल माइनस 100 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम 90 डिग्री सेल्सियस, तो आप देखेंगे कि 100 में से 90 माइनस करा तो 10 आएगा। तो 10 डिग्री सेल्सियस का इन दोनों के टेम्परेचर के अंदर डिफरेंस है। यहाँ पर हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की टेक्निक यूज़ करनी होती है। हमें याद रखना है कि कभी भी 25 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर तो 10 है फिर भी बहुत कम है, कभी भी 25 डिग्री सेल्सियस से कम है टेम्परेचर में, बॉइलिंग डिफरेंस में 25 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं हो रहा है टेम्परेचर का डिफरेंस, तब हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और यहाँ पर हमें दिख रहा था कि 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ पर तो 40 डिग्री सेल्सियस था तब भी बहुत ज़्यादा था, तो इस वजह से हमने सिंपल डिस्टिलेशन यूज़ करा था। यहाँ पर फ्रैक्शनल वाला इसलिए यूज़ करा क्योंकि यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 10 डिग्री सेल्सियस का ही डिफरेंस आ रहा है टोटल, तो इस वजह से हमें दिख रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस से तो कम ही है, तो इस वजह से हमने यूज़ करा है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ना उसे यहाँ पर क्या करा है हमने, अल्कोहल और वाटर मिक्स है तो यहाँ पर हमने इन्हें हीट करना स्टार्ट करा। वी विल सी के अल्कोहल के वेपर्स फॉर्म होना स्टार्ट होंगे और टेम्परेचर काफ़ी कम है, तो इसमें यह भी हो सकता है कि वाटर भी मिक्स होके इसके साथ वेपर्स की फॉर्म में आ सकता है अल्कोहल के साथ और मिक्स हो जाएगा, तो इस वजह से हमने एक बीच में ऑब्स्टेकल क्रिएट करा है। जैसा यहाँ पर हमने कोई ऑब्स्टेकल क्रिएट नहीं करा था बीच में, यहाँ पर हमने एक ऑब्स्टेकल क्रिएट कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारा अल्कोहल जल्दी हीट हो रहा है तो वो जल्दी जल्दी ट्रैवल कर पाएगा, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा पोजेस करेंगे, समझेंगे अभी ये भी। तो यहाँ पर हमने देखा कि हीट जल्दी किसके मॉलिक्यूल्स होंगे, अल्कोहल के, तो अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स फटाफट ट्रैवल कर पहुँच जाएंगे दूसरी जगह पर। और जैसे ही हमें दिखेगा कि अब वाटर के मॉलिक्यूल्स भी आने वाले हैं, हम लोग क्या करेंगे, हीट को बंद कर देंगे और हमारे दोनों अल्कोहल और वाटर को सेपरेट कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की टेक्निक थी और ये हमारी टेक्निक थी सिंपल डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन के अंदर क्या है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन और डिफरेंस समझ लेते हैं। डिस्टिलेशन का मतलब द मिक्सचर ऑफ टू मिसेबल लिक्विड्स, दो मिसेबल लिक्विड जैसे अल्कोहल और वाटर, हुज बॉइलिंग पॉइंट डिफर बाय मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस, जिनके बॉइलिंग पॉइंट के अंदर डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का है। तो यहाँ पर कितना डिफरेंस था, 40 डिग्री सेल्सियस का, तो इस वजह से हमने यहाँ पर क्या यूज़ करा, सेपरेट करने के लिए हमने कौन सी टेक्निक यूज़ करी, सिंपल डिस्टिलेशन। नाउ कमिंग टू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, द मिक्सचर ऑफ टू मिसेबल लिक्विड्स हुज बॉइलिंग पॉइंट्स आर लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर क्या था, अल्कोहल एंड वाटर, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट के अंदर जो डिफरेंस था वो कितना था, 10 डिग्री सेल्सियस से भी कम का था। तो यहाँ पर इस वजह से हमें क्या यूज़ करना पड़ा था, हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस यूज़ करना पड़ा था, टेक्निक यूज़ करनी पड़ी थी। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, इसकी मैं प्रॉपर डेफिनेशन आपको लिखवा देता हूँ। तो ये वाली डेफिनेशन आप स्टूडेंट्स नोट कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया है, द मिक्सचर ऑफ टू मिसेबल लिक्विड हुज बॉइलिंग पॉइंट डिफर लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस कैन बी सेपरेटेड बाय द टेक्निक ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। नाउ कमिंग टू अंडरस्टैंड दिस बाय अ क्वेश्चन, के क्वेश्चन से कैसे अंडरस्टैंड करें और किस टाइप से क्वेश्चन आएगा। जैसे यहाँ पर दिया है सेपरेट ए सब्सटेंस, कोई एक सब्सटेंस है जिसका हमने ए नाम रख दिया, दूसरा सब्सटेंस है बी, जिसके बॉइलिंग पॉइंट के अंदर जो डिफरेंस है वो कितना है, वो डिफरेंस है 25 डिग्री सेल्सियस का। तो वो जो सब्सटेंस है उसके अंदर कितने डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आ रहा है, 25 डिग्री सेल्सियस का। तो इस वाले केस में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डिस्टिलेशन, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं हम लोग सीधे सीधे। तो इस वाले प्रोसेस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, आंसर विल बी डिस्टिलेशन, यहाँ पर हम लोग डिस्टिलेशन का प्रोसेस यूज़ करेंगे क्योंकि 25 डिग्री से ज़्यादा उनके बॉइलिंग पॉइंट के अंदर डिफरेंस है। नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, सेपरेट ए सब्सटेंस, कोई एक सब्सटेंस है उसको दूसरे सब्सटेंस से सेपरेट करना है, इन दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसके अंदर डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से कम का है। तो इन वाले केसेस में हम लोग क्या करते हैं, इन वाले केसेस में हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि हमें यहाँ पर क्या करना होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं क्या, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, आंसर इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, एक क्वेश्चन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन,
समझ गए होंगे आप लोग कि क्या मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर आपको। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में समझ में आ गया होगा आई होप अच्छे से। तो ये दो क्वेश्चंस आप नोट डाउन कर सकते हैं और जो भी नोट्स मैंने अभी तक समझाए हैं नोट डाउन कर सकते हैं। तो अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, नहीं तो माता रानी पाप लगाएगी। और एक और चीज कि स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी और मन्नू से ज्ञान लेते रहो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।